अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं फारूक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज आज की इस वीडियो में हम फ्लिप्स के 12 वोल्ट को रिपेयर करेंगे। और गाइज यह जो हमारा फ्लिप्स का बल्ब है ये 12 वोल्ट्स का है और इसकी जो वारंटी थी वो 31 मार्च 2020 तक थी जो एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो अब हम इसका जो टॉप कवर है इसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको जो था इसका इनसाइड स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी सारी एलईडीज हैं और आप जानते हैं कि एलईडी बल्ब में सारी लाइट्स जो होती हैं वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं। और गाइस ये हमारी एलईडी 1 है, ये 2 के साथ कनेक्टेड है, 2, 3 के साथ, 3, 4 के साथ, 4, 5 के साथ, 5, 6 के साथ एंड सो ऑन। हमारी जो लाइट है सारी देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जो एक लाइट है वो हमारी ब्लास्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो लाइट नंबर 12 है वो ब्लास्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी ने वो डिस्टर्ब हो गई है। अब हम इस ब्लास्ट लाइट को निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नेल कटर। हम इसको इस तरह से पंच करेंगे तो ये हमारी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी और हमें जो उनसे इसके गोल्डन पॉइंट्स हैं वो नजर आ जाएंगे। गाइज ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अब हमने करना क्या है कि हमने इन 2 पॉइंट्स को आपस में सोल्ड कर देना है। इनको सोल्ड करने का मकसद ये है कि हमारी जो चेन जो डिस्टर्ब हो गई थी एक बल्ब के ब्लास्ट होने से वो फिर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी और इसके बाद हमारा जो बल्ब है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्ड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एलईडी जो है वो लाकर लगा भी सकते हैं, तो मैं इसकी डायरेक्ट सोल्डिंग कर लेता हूँ। गाइज में आप देख सकते हैं मैंने बल्ब की सोल्डिंग कर दी है और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। गाइज मैंने होल्डर के अंदर बल्ब को लगा दी और अब मैं बटन को ऑन करने लगा हूं। गाइज ये आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ चुका है और हमारी जो लाइट्स हैं वो बहुत अच्छी लाइट जो प्रोड्यूस करके हमें दे रही हैं। और इस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। गाइज अब हम इसके ऊपर कैप को चढ़ा देते हैं। गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।